आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो बिजनेस स्टार्ट्स का सेकंड पेपर है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके इंटर्म एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैंने बिजनेस स्टार्ट्स के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जैसे इंडेक्स नंबर को रिलेशन फिर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ ये सारे थ्यूरी सीशन कॉन्सेप्ट जो है मैंने अलग से प्ले बनाई है आप चैनल पर जाकर वो सारे प्ले को देख लीजिए आपका उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं प्लस एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं

फीज़र आइडल इंडेक्स नंबर क्या सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्जल टेस्ट ऑनली फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ऑनली कि टाइम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की नन ऑफ तीस तो फीज़र आइडल इंडेक्स की न, न, बात करें हम उस प्ले लिस्ट में मैंने जितने भी इंडेक्स नंबर से इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है ईच एंड एवरी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है बहुत ईजी लैंग्वेज में एक प्ले लिस्ट बनाई है उसको आप देख लेना थर्ड नंबर तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है दोनों सेटिस्फाई करता है हमारे आ, फिजर्स आइडल इंडेक्स नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें द सीटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द कंपेरिजन ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल एवरी ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन एवरेज प्राइजेस की सेकेंड है चेन बेस इंडेक्स नंबर की थर्ड है सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर की ऑफ दिस अगर हम बात करें सबसे सूटेबल इंडेक्स नंबर क्या है कि अगर हम कंपैरिजन करना हो कि प्राइस में हमारे कितने चेंजेस हुए हैं हर साल तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर सूटेबल रहेगा उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट फोर नंबर जियोमेट्रिक मीन इज अ मोस्ट सूटेबल एज अ मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव बिकॉज

लेवल इंफ्लुएंसिंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी इज ए होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर थर्ड है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की नन ऑफ दिस सबसे सीटेबल इंडेक्स नंबर की हम बात करें अगर जो भी स्टडी ऑफ चेंजेस इन प्राइजेस जो भी फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी को तो दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बी ऑप्शन थर्ड है सिक्स है इफ़ विद इंक्रीज ऑफ टेन परसेंट इन प्राइजेस ज wages ट्वेंटी increased by 20% the real wages increases by 10% less than 10% more than 10% ki की to परसेंट तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लेस देन टेन परसेंट अगर मान लो कि दस परसेंट हमारी प्राइस बढ़ जा रही है में दस परसेंट इंक्रीज़ हो रहा प्राइजेस और वेजेस भी बीस परसेंट से इंक्रीज हो रहा तो जो रियल वेजेज इंक्रीजेस हमारी कितनी होंगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेस देन टेन परसेंट जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जैसे कि अगर हम कॉल पियर्सन की बात करें ये सारे को के जितने भी फॉर्मुल उसको आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ठीक है आप मेरा प्लेलिस्ट लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उससे बाहर कोई भी नहीं क्योंकि मैंने फॉर्मुला थ्योरी कॉन्सेप्ट एमसीपू सारी चीजें उसमें कवर कराई हैं ठीक the तो है द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आर्थमैटिक मीन मीडियन जियोमेट्रिक मीन तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी जियोमेट्रिक मीन नेक्स्ट है लेस्प्री इंडेक्स इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटीज करंट ईयर क्वान्टिटीज़ एवरेज ऑफ बेस एंड करंट ईयर की नन ऑफ तीस लेस्प्री इंडेक्स जो है वो किस पे पर बेस्ड करता है आपके बेस ईयर के क्वान्टिटीज़ पर बेस्ड करता है नेक्स्ट है फीजर आइडल इंडेक्स क्या है अर्थोमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पाश्चे इंडेक्स बी है हार्मोनिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्टे इंडेक्स थर्ड है जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्टे इंडक्स की नन ऑफ तीस तो फीजर आइडल इंडेक्स जो है वो एक तरह का क्या है जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पाश्चे

तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल आपका सही नेक्स्ट है नंबर द इंडेक्स नंबर बेस ईयर इज अ ऑफ जो कि देखिए याद रखिएगा क्या अडॉप्ट करता बेस ईयर क्वॉंटिटी ध्यान से एक कैसा मैथडे लेस्प्रे मैथड फीसो मैथड बाउले की पाश्चर्य मैथड तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही ठीक है नेक्स्ट है टाइम सीरीज से क्वेश्चन है टाइम सीरीज एनालिसिस से टाइम सीरीज अकाउंट्स फॉर सीजनल वेरिएशन सिकुलर ट्रेंड साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑल ऑफ ठीक है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही टाइम सीरीज में आपकी सीजनल वेरिएशंस भी आती हैं साइक्लियर फ्लक्चुएशंस भी आती हैं सिक्युलर ट्रेंड भी इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है द मेथड ऑफ मिनिमम लीस्ट स्क्वायर इज कनेक्टेड विद एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज फॉर मेजरिंग सीजनल वेरिएशन लॉन्ग पीरियड वेरिएशन साइक्लिक वेरिएशन की फॉर ऑल दब मैथड तो अगर हम बात करें मिनिमम लिस्ट स्क्वायर की किससे कनेक्टेड रहता है ऑफ टाइम एनालिसिस क्या मेजर करने के लिए सारी चीजों को मेजर करने के लिए चाहे वो सीजनल वेरिएशन को मेजर करना हो चाहे लॉन्ग पीरियड वेरिएशन को मेजर करना हो चाहे साइक्लिक वेरिएशन को ऑल ऑफ नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेश सिग्निफिकेंट होता है अगर ठीक है रैंक ऑफ कोरिलेशन जो है लेस है प्रोएबल एरर का पी ई e, जो है प्रोएबल एरर है इक्वल है स्मॉल है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दैट इज ये वाला ठीक है फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन आप लोग फार्मूला एक बार जरूर देख लीजिएगा वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन की वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट है प्रोएबल एरर क्या है ए जीरो पॉइंट सेवन फोर फाइव इंटू स्टैंडर्ड एर जीरो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ को रिलेशन ऑफ यूनिवर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही विच वैल्यू आर इज मोर सिग्निफिकेंट आर अगर जीरो पॉइंट सिक्स है प्रोएबल एरर अगर जीरो पॉइंट जीरो फाइव है आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन प्रोएबल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन आर इज इक्टल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्रोएबल एर जो है जीरो पॉइंट सिक्स है आर इज इक्ल टू जीरो जीरो पॉइंट नाइन है प्रोएबल एरर जीरो पॉइंट नाइन है तो ऑप्शन नंबर ए e हो जाएगा बिल्कुल सही नेक्स्ट आर द लिमिट्स ऑफ कॉल पियर्शन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस माइनस वन या प्लस माइनस थ्री प्लस या टू रहे या माइनस टू तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस वन या माइनस वन द फॉर्मूला ऑफ कॉल पियर्शन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे ये जितने भी कॉल पियर्शन स्पेयरमैन ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिगमा वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही ऐसे ही और सारे एम सी क्यू को अभी हम बहुत सारे एम सी क्यू ये पार्ट नंबर टू है पार्ट नंबर वन में मैंने टाइम सीरीज़ के बहुत सारे एम सी क्यू अभी मैं अपलोड करूँगी उसको आप ज़रूर देखकर एग्जाम में लाना और प्ले लिस्ट में लिंक के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक डाल दूंगी कंप्लीट प्ले लिस्ट का उसे आप देख लेना ठीक है